जिन्होंने 26 नवंबर 2012 में पार्टी बनाई साढ़े वर्गे लोगों को बहुत पहुंचा साढ़े को सुनता ही नहीं सानू तो समझते कि सिर्फ वोट पाने लिए इन्हों का कोई अधिकार नहीं है सैकल सैकल थोड़ी हवा घट सी मैं हवा भरी हवा भरी बापू आना आ बापू स्पैशल मिलना बापू आना चाह पी ला हाँ जी हाँ लेबर करता रहा जी दिहाड़ी करता रहा और मैं कनेडा चले गया उ काम कार बड़ा किया स्ट्रगल की मेरे फादर साहब अज भी असं गां रखी है घरें दुध पा जाते हैं पटियाले जोड़िया सड़क कहना भगवंत मान साहब ने कि सरकार जी पिंड चो शहर के वार्डा चो चलूगी इतों से यह ने सरकार दी बेसिकली ये है असली लोग ये लोग ने जिन्हें सरकार बनाते और सरकार इन्होंने काम करना चाहिए जो तुम दसा नौ की किरत करते हो ना थोड़े अंदर एक विश्वास पैदा होंगे और परमात्मा दसा नौ की किरत करने वाले इंसान की ही सुना वह ही नाम जपया प्रवान होंगे वह ही दसवंत कटिया वो भोग लग गया ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀਆਈਪੀ ਕਲਚਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਗੇ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹੁੰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੇਵ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰਵਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ लोग विधायक नाल सेल्फियां खिंचाउंदे नजर आए ने विधायक देव मान नाल कोई भी पुलिस कर्मी विखाई नहीं दिता है ओहो इकल्ले ही साइकल चला के लोकां विच विचरदे दिखाई दिते ने इस मौके आप पार्टी दे विधायक गुरदेव सिंह देव मान ने कहा कि मैं पहला भी चोन कंपेन साइकल ते ही करदा सी अज जितन तो बाद भी साइकल ते ही लोकां दा धन्नवाद करन लई निकलिया छवि खत्म करनी चाहते हैं अरविंद केजरीवाल साहब सेहरा जाता भगवंत मान साहब सेहरा जाता के आम आदमी पार्टी की जिहड़ी छवि है नॉर्मल मैं इलेक्शन तो पहला भी आई सी कि देव मान अज साइकिल ते घूमदा मैं तो 17 दी इलेक्शन हारन तो बाद लगातार साइकिल ते रहा हूँ भी साइकिल घूम रहा जी कोई सिक्योरिटी नहीं कोई वी आई पी कल्चर नहीं जी ये भरा ने साडे ये सारे देखो किवें इकट्ठ होया पिया जी ये लोग ने जिन्हां दियां उम्मीदां जिन्हां ने वोट पाई है कि साडा कुछ बनेगा और बिल्कुल 100% बनेगा एक खाली कप दिओ जी चाह ज्यादा थोड़ी साइकिल साइकिल थोड़ी हवा घट सी मैं हवा भरी हवा भरी बापू आना आ बापू स्पेशल मिलना है बापू वाला चाह पी ला हाँ जी हाँ करो बापू वाला चाह दो वोटा पाई वोटा भी हुई बल्ले बल्ले कहते फोटो हुई भी है मंत्री जी गड्डी आई तो ड्राइवर या गार्डमैन जाने हवा भरा वास्ते तुम आप खुद हवा भरी साइकिल देखो जी यही तो फर्क है जी ये अपना मुल्क एडा खूबसूरत है यदि बनकर एडा वड्डा सभ्याचार है साडा इन्ना प्यार है साडी कम्युनिटी च उन्हें बहाल करा और जो पोलिटिकल सिस्टम जहाँ हैंग किया पाया ना उन्होंने एक गैंग टाइप जो बनया से वो सारा खत्म करके जमीन पर रहेंगे लोगों च रहेंगे जिम्मे मान साहब ने कहना भगवंत मान साहब ने
कि सरकार जी पिंडां चो शहर दे वाडां चो चलूगी इत्थों च इह ने सरकार दी बेसिकली इह ऐ असली लोक इह लोक ने जिहड़े सरकार बणाउंदे और सरकार नूं इहनां लई कम्म करना चाहिए इहनां लई कम्म करांगे अच्छे तरीके नाल कम्म परिवार च कोई पॉलिटिक्स हैगा सी कोई साडे परिवार दा कोई पंचायत मैंबर है नहीं जी इह परमात्मा ने पहली वारी धन्नवाद है परमात्मा गुरु नानक पातशाह दा अरविंद केजरीवाल साहब जिन्हां ने 26 नवंबर 2012 नूं पार्टी बणाई साडे वर्गे लोकां नूं बहुत पुछदा सी साडे साडी कोई सुणदा ही नहीं सी सानू तां समझदे सी वी सिर्फ वोट पाउण लई ने इहनां दा कोई अधिकार नहीं है कोई नहीं सी पुछदा मेरा बापू 88 साल दा है मैं पुछया मैं कहा बापू इन्नी देर वोटां पाईआं ने आपां तुहानूं जाणदा कोई लीडर कहिंदा नहीं बेटा कदे आए नहीं साडे कोल लीडर मैं कहा बार बार आपां कांग्रेस अकाली नूं वोटां पाउंदे बस वी वोटां आ गईआं वोटां पा दे वोटां आ गईआं वोटां पा दे कोई कदे किसे ने बाही नहीं फड़ी और एमएलए बन के करोड़ां पति अरबां पति लुट खसुट सारा यह सारा सिस्टम बंद होना चाहिए संघर्ष बहुत रहा मैं लेबर करता रहा जी दिहाड़ी करता रहा और मैं कनेडा चले गया तो काम कार बड़ा किया स्ट्रगल की ते मेरे फादर साहब अज भी असं गां रखी है घर दुध पाउण जाते हैं पटियाले जोड़िया सड़कें तो उत्थे दुध पाउण साइकिल ते अज भी जाते असं करम नाल जुड़े लोग हाँ गुरु नानक साहब जी का फलसफा सब तो बड़ा मैं तो हरेक जगह बोलदा कि दसा नौ की किरत नाम जपना से वंड के छकना इस तो बड़ा फलसफा कोई नहीं दुनिया के जो तुम दसा नौ की किरत करते हो ना थोड़े अंदर एक विश्वास पैदा होंगे और परमात्मा दसा नौ की किरत करने वाले इंसान की ही सुनता वह ही नाम जपया प्रवान होंगे वह ही दसवंत कटिया वो भोग लगता है मान साहब कभी सोचा कि विधायक बनोगे इस तरह सारी फीलिंग जिस तरह की हो रही है हाँ मेरे को लफज नहीं मैं किमें बयान करा इस गल कदे सोचा नहीं सुपना भी नहीं लिया जिदन रिजल्ट आया मैं सवेरे उठा ना उस तरीके मेरा कमरा सी मैं खिलारा पिया हा तो मैं उठा उठ के मैं सोचा भी इतना सरकार बन गई देवमान MLA बन गया मेरी अखा पानी आ गया मैं क्या यार कमाल हो गई ये कमाल किमें इतिहास रचा गया पर उदे लई बहुत लंबी घालना बड़ा लंबा संघर्ष जिहड़ा इक MLA तां बणियो लीड लीड दी गल कीती जावे बहुत वड्डी लीड आ भी नूं ते 82,053 वोटां पईआं ने जिहदे विचों 52,600 वोटां दी लीड नाल नाभा विधानसभा दे विच इक हंकारिया होया मंत्री साधु धर्मसोत जिन्हें 64 करोड़ रुपया गरीब इन्हां दे बच्चों का पैसा खाता जी इन्हां दी भावना नाल खिलवाड़ कीता इन्हां लोकां ने देख लो हुण की कीता 52,600 वोटां दी लीड नाल दे मान नूं काम घर दे बच्चे नूं MLA बणाता और हुण मैं इन्हों का मान सत्कार इन्हों के बच्चों की पढ़ाई का इन्हों का इलाज इन्हों की कारोबार इन्हों सारिया चीज़ा इन्हों जान हाजिर है जी वोटर इन्हों जान हाजिर दिन रात काम करा इन्हों के घर चो गरीबी कट के हटा मैं तो अनाउंस किया मैं तो अनाउंस किया जी मैं तो शुरू तो अनाउंस कर रहा यह हूँ नहीं जब की कंपेन चल रही है कि तुम मेरे सिर से दास सजाते हो तो देवमान MLA बन के 1 रुपया तनखा से काम करेगा जो तक मेरे पंजाब गरीबी नहीं निकलती जो तक मेरे किसान भरा कर्जा मुक्त नहीं होंगे जो तक मेरे नौजवान आईलैट्स करके जो बाहरले मुल्कों वाले पास जाते उन्होंने उत्थे रुजगार पैदा नहीं करते उद तक देवमान ने 1 रुपया तनखा नशा बहुत बिल्कुल बेरोजगारी नशा बहुत वड्डे मुद्दे ने जी चुनौतियां बहुत ने पर बाबा बुले शाह कहते जिदे पले सच कोठे चढ़ के नच सच का पहरा दिता और सच नाल ही परमात्मा हुंदा सच्चे दिलों काम करांगे चंगी नीति और नीयत नाल काम करांगे जी ਸਵੇਰ ਦੇ 9 ਵਜੇ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਹਜੇ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਫ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਾਫੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰੁਕੇ ਸੈਲਫੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੋਈਆਂ ਪਿਆਰ ਇੰਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਰੇ ਪਾਸ ਆ ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ MLA ਕਦੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਹੀ ਮੈਨੇਜਰ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਮਿਲਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਤਾਂ MLA ਦੇ ਮਾਨ ਹੀ ਬਣਿਆ MLA ਬਣੇ ਨੇ ਜੀ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਇਹ ਵੋਟਰ ਬਣੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ MLA ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮੈਨੇ ਨਾਭੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵੋਟਰ ਜਿਹਨੇ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ ਉਹ MLA ਨਾਭੇ ਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ MLA ਹੈ ਜੀ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਜੀ ਨਾਭਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵੋਟਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਕੰਫੀਡੈਂਸ ਪੈਦਾ ਹੋਊਗਾ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਮਾਜ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਚੋਰੀਆਂ ਠੱਗੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ MLA ਸਾਹਿਬ ਕੁਆਟਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਕਰਨੇ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੁਆਟਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕੁਆਟਰ ਕੁਟਰ ਕੀ ਕਰਨੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ MLA ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ MLA ਸਾਹਿਬ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ ਕਿ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰਜਣਗੇ ਹਰੇਕ ਸਮੇਂ ਖੜ ਰਹੇ ਨੇ ਚਾਹ ਵੀ ਪੀ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪ ਬਣਵਾ ਕੇ ਚਾਹ ਪੀ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਨੇ
जनता दे विच खुशी दा माहौल है। जिस तरह साहब जी ने मेरे लिए एक मिरेकल है, जादू ही है, कितनी खुशी है, ओही जिदे लिए कोई लफ्ज नहीं होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एक्शन पंजाब।